अस्सलाम वालेकुम। आज फूड मानिया बना रहा है स्मोकी तवा चिकन। तवा चिकन की ये रेसिपी बहुत आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं और मज़ेदार स्मोकी चिकन तैयार हो जाता है। इस रेसिपी के लिए आपको बस थोड़े ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको चाहिए 5 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके बाद 7 से 8 सब्ज़ मिर्च जिसको छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर लहसुन अदरक का पेस्ट और चॉप की हुई मिर्चों को हल्का सा सौते करेंगे। जब खुशबू आने लगे तो इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। हमने 1/2 किलो बोनलेस चिकन लिया है। मीडियम फ्लेम पर चिकन को इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और हल्का सा गोल्डन हो जाए। 1 टेबल स्पून या टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर चिकन को पकाते रहेंगे, साथ साथ कवर भी करते रहें ताकि चिकन जूसी तैयार हो और ज़्यादा जल्दी पककर अंदर से कच्चा ना रहे। चिकन का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। आपको चाहिए सुर्ख मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा, सब कुछ 1-1 टेबल स्पून है। स्पाइसेस को चिकन में 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तवा चिकन की ये रेसिपी बहुत आसान है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। आम सालों के मुकाबले में ये काफ़ी यूनिक डिश है और खाने में भी ज़्यादा मज़ेदार है, इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई करें। हल्की सी दरमियानी आँच पर पकाते रहेंगे ताकि हर चीज़ का फ्लेवर चिकन में चला जाए। अब इसमें डालेंगे 3 लीमों का रस और उसको भी 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। आँच आपने हल्की से दरमियानी ही रखनी है और साथ साथ कवर भी करना है, क्योंकि हम ये तवे पर बना रहे हैं इसलिए आपको इसे हिलाना पड़ेगा। साथ साथ हिलाते रहेंगे और कवर भी करते रहेंगे। अब डाल देंगे 3 दरमियाने साइज़ के प्याज, इसको भी छोटा छोटा चॉप कर लें। उसके बाद डालेंगे 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर। प्याज और टमाटर को दरमियानी आंच पर पकाएंगे ताकि अच्छे से गल जाए। हर चीज़ को हम दरमियानी आंच पर पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि सारा टेस्ट चिकन में चला जाए। मैं देसी तवा यूज़ कर रही हूँ, इससे चिकन में स्मोकी मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। आप नॉनस्टिक में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास देसी तवा अवेलेबल है तो आप उसी पर बनाएं। दरमियानी आंच पर पकने देंगे, तब तक पकाएंगे जब तक प्याज और टमाटर पूरी तरह गल ना जाएं। साथ साथ हिलाते रहें और कवर भी करते रहें। सात से आठ मिनट पकाने के बाद अब 1/2 कप सब्ज़ धनिया डाल देंगे। सब्ज़ धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लें, उसको भी 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। इस रेसिपी में जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक डाली हैं सबको अच्छे से पकाना है ताकि कुछ भी कच्चा ना हो। तवा चिकन ऑलमोस्ट रेडी है, अब बस इतना पकाना है कि जो चीज़ साबित है वो भी अच्छे से गल जाए। सब कुछ अच्छे से गल चुका है, अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। चिकन को तवे की साइड्स पे कर लें ताकि बीच में एक छोटा सा होल बन जाए और उसमें 2 टेबलस्पून मक्खन डाल दें। तवा चिकन का मेन इंग्रेडिएंट मक्खन है, जिससे बहुत बटरी फ्लेवर आएगा और चिकन बहुत क्रीमी और जूसी बनेगा। बटर को सेंटर में डालकर साइड्स पर जितना भी चिकन है उसको मक्खन के ऊपर डाल देंगे। यूँ मक्खन का सारा फ्लेवर चिकन में चला जाएगा। मक्खन डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इतना पकाना है कि अच्छे से मेल्ट हो जाए और उसका फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह चला जाए। चिकन का सारा पानी ड्राई हो गया है, अब हम इसे कोयले का धुआं देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में कोयले का स्मोकी फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह चला जाएगा। अब इसको गार्निश कर लेंगे चॉप किए हुए सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च से। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ये स्मोकी मज़ेदार तवा चिकन बनाना बहुत आसान है। इस रेसिपी का मेन एलिमेंट है मक्खन, आपने मक्खन ज़रूर यूज़ करना है, उसी से सारा बटरी और मज़ेदार फ्लेवर आएगा। दूसरी चीज़ देसी तवा, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसी में बनाएं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको स्मोकी तवा चिकन की रेसिपी कैसी लगी। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर डेली रेसिपीज़।